कुणाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज है बहुत ही स्पेशल डे क्योंकि आज है मेरा बर्थडे एंड टुडे इज 26 मई। सो अब लॉकडाउन चल रहा है, ये बैक टू बैक मेरी सेकेंड बर्थडे है जो मेरी लॉकडाउन में बन रही है। और अभी आप देख सकते हैं छोटा मोटा सा डेकोरेशन मेरे पीछे भी हो रखा है। तो हम बहुत ज्यादा डेकोरेट तो नहीं किया था, तो जितना थोड़ा बहुत हुआ आपने उतना किया। सो गाइस, मैंने आज बर्थडे है तो टाइम पे नहावा लिया था और आज तो भगवान के आगे मुझे हाथ जोड़ना था स्पेशली। सो वो सब हो गया है, अब मैं चलती हूँ, देखती हूँ कि धीरज क्या ऑर्डर करने वाले, क्योंकि अब ये टाइम है लंच का तो 1 बजने वाला है ऑलमोस्ट। तो ये ऑर्डर कर लेते। अच्छा, तो बिरयानी बाई क्लोज से बिरयानी ऑर्डर कर रहे हो। सो गाइस, अगर आपने हैदराबादी बिरयानी बाई क्लोज की ट्राई की तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, मुझे तो बहुत गजब लगती है। सो गाइस, ये है धीरज की स्टडी टेबल और देखिए यहाँ पे ना केक का डिब्बा भी रखा हुआ है। ये खत्म हो गया, ये केक मैंने कल ही ओपन किया है और आज देख लीजिए ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। सो खाना ऑर्डर धीरज कर रहे हैं और अभी धीरज में छोटी सी क्विक मीटिंग अटेंड करनी है, बिकॉज कुछ अर्जेंट काम था तो धीरज को मीटिंग अटेंड करनी ही थी। तो मैंने कहा चलो बर्थडे तो क्या हुआ, मैं एक मीटिंग तो मैं अलाउ कर सकती हूँ आज बर्थडे वाले दिन। सो गाइस, जो बिरयानी थी बिरयानी वाई क्लोज से वो आ गई है। सो धीरज अभी इसको लेके आ रहा है। ये बिरयानी आ गई हमारी। ओ वाओ, इन्होंने सैनिटाइजर की बोतल भी दी है साथ में। ये क्या है? ये है सलम सलाद, ये एक और सलाद। ये क्या है? ये है रबड़ी। धीरज फटाफट खोलो यार, बहुत तेज भूख लग रही है। बिरयानी देख के तो मेरी भूख दुगनी हो गई है। ये वाओ। सो गाइस, अब बिरयानी जो सर्व होने वाली है प्लेट पे, अब मेरे से तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा। सो मैं खा के आपसे मिलती हूँ, मैं और धीरज दोनों। गाइस, मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ पार्टी मार के अपने डबल बेड पे। तो मैंने सोचा क्यों ना जो सारे गिफ्ट्स मुझे मिले हैं वो मैं क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जो जो गिफ्ट्स मुझे इस बर्थडे पे मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो मुझे धीरज ने बर्थडे गिफ्ट में दिया है, मेरे हस्बैंड ने। सो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे नेक पीस पहना हुआ है एंड इसमें ये डी लिखा हुआ है, ये सो ये ओरिजिनल पीस है, ये मुझे धीरज ने बर्थडे गिफ्ट में दिया है। सो बहुत टाइम से मुझे इस तरह का कुछ चाहिए था। एंड सेकंड गिफ्ट उसने जो मुझे दिया है, ये भी मेरा मस्ट रिक्वायर्ड गिफ्ट था, बहुत टाइम से मैं प्लान कर रही थी। सो ये DW की वॉच है। गाइस, नेक्स्ट गिफ्ट जो है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने भेजा हुआ है एंड आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हर गिफ्ट एज वेल, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट और एकदम होता ना, एकदम मेरी सोच के अलग से मुझे गिफ्ट देती है ये। तो एक्चुअली इसको मैंने ट्राई किया हुआ था तो ये उल्टा रखा हुआ है, मैं इसको सीधा कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, ये है एक शरारा सेट, आप गरारा सेट भी बोल सकते हो क्योंकि मुझे शरारा गरारा एक ही जैसा है ये। इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट लग रहा है मुझे इसका कलर, एक तो इस कलर का कुछ था नहीं मेरे पास और मुझे जल्दी इस कलर का कुछ अच्छा मिलता भी नहीं है। सो बहुत ही प्रिटी सेट है ये। सो ये इसका पूरा कुर्ता है, इसमें गोटा पत्ती का वर्क किया गया है और ये नायका फैशन से लिया गया है, बिकॉज मेरे पास ऑर्डर आया था तो मुझे पता है कहाँ से लिया गया है। नायका फैशन का ये एंड ये इशीन ब्रांड का ये ISHIN इशीन, आई होप आई प्रोनाउंस राइट। तो अगर आपको अपने लिए देखना है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये टोटल सरप्राइज था मेरे लिए, जो मुझे आया तो मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज मिला और मैं बहुत ज़्यादा सुपर सुपर सरप्राइज हुई। एंड ये मेरी फ्रेंड कम रूममेट, बहुत ज़्यादा साथ हमने टाइम स्पेंड किया है, आयुषी ने मुझे दिया एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड शी ऑल्सो नोज कि मुझे ज्वेलरी का भी बहुत शौक है एंड उसको भी ज्वेलरी का बहुत शौक है, इनफैक्ट हम दोनों को ही बहुत शौक है। तो ये उसने मुझे भेजे हैं सेट ऑफ इयररिंग्स। सो ये मैं इसके साथ भी अच्छे से पेयर अप कर सकती हूँ, बिकॉज इस वाले सूट के साथ ही बहुत अच्छा जाएगा एंड गोल्डन कलर है तो हर किसी के साथ बहुत ही अच्छे से जाएगा और आजकल ये वाली डिटेलिंग बहुत ज़्यादा इन है। नेक्स्ट है ये ब्रेसलेट, सो बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये भी एंड साइज बहुत सही है, मुझे बहुत ऐसे ज़्यादा बड़े ब्रेसलेट्स नहीं पसंद है सो ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एंड नेक्स्ट है ये स्टोल जो उसने मुझे भेजा है, तो टोटल 3 गिफ्ट उसने मुझे भेजे हैं। ये भी बहुत प्यारा है, इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है ये एंड ये भी देखिए बहुत ही प्यारा है ये, आप इसको बहुत तरह से स्टाइल कर सकते हो। विंटर सीजन में तो बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं स्टाइल करने के और गर्मियों में मुझे सबसे ज़्यादा जरूरत जब पड़ती है जब ऑफिस का एसी बहुत ठंडा होता है और मुझे कुछ चाहिए होता है तो इस तरह की चीज़ें बहुत हैंडी हो जाती हैं। सो गाइस, ये तो थे बर्थडे गिफ्ट एंड हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ की। तो बर्थडे गिफ्ट तो नहीं है ये, बट ये मुझे PR में रिसीव हुआ है और ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा है जिस दिन से मुझे रिसीव हुआ है ना गाइस, उस दिन से मैं इसको हर दिन अपने साथ कैरी करती हूँ और नेक्स्ट डे से ही मैं इसको ऑफिस लेके जा रही हूँ। हाँ, मेरा ऑफिस चल रहा है, मेरा ऑफिस खुला हुआ है तो हम ऑफिस जाते हैं और इसको मैं लेके जाती हूँ। सो ये है लैपटॉप बैग एंड ये मुझे जू ब्रांड ने भेजा ये और दिस इज अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट। मेरे बर्थडे मंथ में आया है तो ये मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट से कम नहीं है। सो दिस इज रियली नाइस प्रोडक्ट एंड आप इसका देख सकते हो, मटेरियल बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है और आप में इस तरह की काफ़ी सारी आपको ये हैंडमेड चीज़ मिल जाएगी। इस ब्रांड की बेस्ट बात है कि ये सारे प्रोडक्ट हैंडमेड होते हैं और वोकल फॉर लोकल इंडिया का ब्रांड है,
और देख सकते हैं मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मेरे पेंस वगैरह भी लगे हुए हैं। सो यहाँ पे एक पॉकेट है जिसमें मैं अपने घर की चाबियाँ रखती हूँ एंड इसमें मैं अपना ऑफिस वाला फ़ोन डाल लेती हूँ। एंड एक ये जिप दिया हुआ है जिसमें आप इस तरह के डॉक्यूमेंट्स वाला सामान रख सकते हैं। एंड काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, मेरा लैपटॉप चार्जर एंड मेकअप पाउच एक आराम से आ जाता है। उसके बाद आ जाती है फ्रंट में ये पॉकेट एंड इसमें मुझे साथ में ये मिला है कॉम्प्लीमेंट करता हुआ एक वॉलेट जो इसके बिल्कुल इसी की सेम डिज़ाइन में है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये। एंड ये भी बहुत कम स्पेस में एडजस्ट हो जाता है एंड इसमें भी इस तरह के कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं। सो एक ये कंपार्टमेंट है, इसमें आप अपनी चिल्ड्रन वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पे कार्ड वाला ऑप्शन है, तो काफ़ी स्पेस है वॉलेट में भी एंड इस बैग में भी बहुत ही कम स्पेस लेता है। एंड इसके साथ ही इसमें है ये एक्सटेंडेड बेल्ट, तो ये आप लगा सकते हैं, ये एडजस्टेबल है, इसमें इस तरह से हुक दिए गए हैं। एंड पीछे भी इसमें एक पॉकेट है जिसमें मेरा आ जाता है आई कार्ड और आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं ज़ू वेबसाइट से भी और आप अमेजन वगैरह से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप ज़ू की वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो प्लीज़ मेरा कूपन कोड लगाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, YTSONAL15, तो आपको एडिशनल 15% ऑफ मिल जाएगा। सो गाइज ये तो मेरे सारे बर्थडे गिफ्ट्स एंड आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। सो लॉकडाउन में तो मेरी बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट हो रही है, ज़्यादा कुछ करने को नहीं है, बस खा के गिफ्ट्स इंजॉय करके ऐसे ही सेलिब्रेट करें। तो शाम हो गई, अब मैं पीऊंगी चाय, तो मेरा बर्थडे है तो धीरज चाय बनाएंगे। गाइस धीरज को ना सिर्फ 2 कप चाय बनानी आती है, धीरज 3 कप चाय और 1 कप चाय नहीं बना सकते हैं। और आसाम से आई हुई चाय पत्ती डाल दिया तुमने, और क्या डाल रही हूँ अभी 2 मिनट तक कम से कम चाय कड़केगी। कहीं तुम्हें स्पेशल जगह से चाय बनाना सीखी है क्या? जब तक इसमें ना ये ऑरेंज कलर से ब्लैक कलर नहीं हो जाएगा ना, तब तक दूध नहीं डालना होता है। ओके अब जाएगा दूध, सिर्फ इतनी अदरक डलती है, ना ज्यादा ना कम। और किसी को अगर ज्यादा चाहिए तो? किसी को ज्यादा चाहिए तो कहीं और जाती है। ये हमारे घर में ऐसी एक इलायची। चीनी 2 कप चाय, ठीक है 2 कप चाय में 3 चम्मच चीनी। हेलो गाइस वंस अगेन, सो अभी मैं रेडियो गई हूँ, सो शाम को हमने चाय वगैरह पी, सो चाय पीने के बाद अब मैं आपसे डायरेक्टली मिल रही हूँ। सो अभी धीरज ने मेरे लिए जो खाने के लिए ऑर्डर किया था वो चाइनीज़ ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे चाइनीज बहुत ज़्यादा पसंद है। सो अभी मैं आपको धीरज से मिलवाती हूँ, पति ऑन ड्यूटी। तो धीरज सारी पति वाली आज अपना बहुत अच्छे से अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। सो इसमें देखते हैं क्या है, एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि क्या क्या खाने में आया है। सो लेट्स सी, एक चीज़ आई थी जो मुझे पता है कि स्वीट कॉर्न सूप, वो हमने पहले ही पी लिया क्योंकि हमें भूख लग रही थी शाम को। ओ वाओ नाइस, सूप धीरज को भी पसंद है तो वो हमने पहले ही पी लिया। तो अब मेन कोर्स हम अप करने के लिए जा रहे हैं, तो चिली गार्लिक नूडल्स है और अभी स्प्रिंग रोल्स भी हैं और आई थिंक कोई ग्रेवी वाली चीज़ भी होगी। सो गाइज ये व्लॉग मैं अब यहीं पे खत्म कर रही हूँ बिकॉज इसके बाद मैं और धीरज करेंगे डिनर इन्जॉय। सो गाइज हमारे जो सेलिब्रेशन होते हैं बहुत ही स्वीट एंड सिंपल तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं और हमें ऐसे ही बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर, डू नॉट फॉरगेट टू स्माइल, और जाने से पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।